पर क्या कर रही है लैला? तुम यहां पे क्या कर रहे हो ताजी? मैं यहां करीब में किसी काम से आया था, बॉस ने भेजा था मुझे, मगर तुम क्या कर रही हो यहां? मैं इस बच्ची से बहुत अटैच्ड हो गई हूं ताजी, तो सोचा दूर से ही देख लूं मैं इसे कुछ देर। और कितना इंतजार करूंगी, लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। उस चिड़चिड़े आदमी को मुझ पर शक ना हो जाए कहीं, एक मिनट में नौकरी से निकाल देगा मुझे। निशाल, चलो बेटा घर चलते हैं, आपके बाबा की कॉल आ गई तो बहुत डांटेंगे मुझे, चलो चले। देखो वो जा रही है। अल्लाह, बाबा जान को शिफा अता फरमा, वो बहुत जल्द खैर आफियत से घर आ जाए, उनका साया हम पर कायम रहे। उनकी हालत देखकर मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ, कैसे छुपाऊंगी मैं सब लोगों से। नहीं बाबा जान, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, उनसे छुपाने का कोई हक नहीं है मुझे। मैं इस बीमारी से आपको यूं अकेले लड़ता हुआ नहीं देख सकती हूं। कहीं गई हुई थी क्या? अभी तक तो कॉल नहीं आई सर जॉन। माँ बेटी, बाप बेटा, यही कॉन्सेप्ट है ना? सभी आ सकेंगे। हाँ इंटरेस्टिंग है। मैं 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? हम नहीं जा सकते,
तुम फिक्र मत करो, मैं सर जॉन को फोन करके खुद माजरत कर लूंगी। एक बार, बस एक बार तो मुझे हैरान कर दे अम्मी। उफ सोना, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तुम्हें पता है ना, ये थेरेपी ग्रुप्स के फजूल मीटअप्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सही कहा आपने, ये सब तो फजूल है ना, हम जा भी नहीं सकते। सर जॉन की फिक्र ना करें आप, मैं खुद उन्हें मना कर दूंगी। चेंज हो गया क्या? हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ताजी नहीं आया क्या अभी तक? और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पार्क में एक घंटे से ज्यादा वेट करती रही हूँ मैं। फिर बना लेंगे प्लान। देखिए, आप समझ नहीं रहे बात को। वो आदमी शक्की और चिड़चिड़े मिजाज का मालिक है। मुझ पर शक हो गया तो एक सेकंड में मुझे निकाल देगा यहाँ से। ताजी को लैला नजर आ गई थी पार्क में, इसलिए फौरन प्लान बदला और सही किया। अगर प्लान जाहिर हो जाता तो मेरी पागल बेटी तुम दोनों को वहीं कत्ल कर देती। तो फिक्र ना करो, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कल लैला चली जाएगी। हाँ, बस दुआ करें कि ऐसा ही हो, वरना हम सब बहुत बुरा फंसेंगे। कुछ ऐसा प्लान बनाइएगा कि इस आदमी को हरगिज़ हम पे शक ना हो। विशाल, तुम कब से यहाँ खड़ी हो बेटा? आप बात क्यों नहीं कर रही हो अपनी आंटी से? दरअसल मेरी दोस्त की कॉल थी, वो मुझे बहुत याद कर रही थी तो उसी से बात कर रही थी। ठीक है ना बेटा, समझ गई ना हनी? विशाल, विशाल बेटा, आप कहाँ जा रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। हाँ, बाय द वे, मुकद्दर आंटी की तबीयत कैसी है? तुम्हारी बात हुई क्या उनसे? नहीं, वैसे मैं अभी सोच ही रही थी कि उन्हें कॉल भी कर लूंगी। ठीक है। सोना की तबीयत तो तुम जानती ही हो, उसे पता चल गया तो सोचो क्या होगा। चलने की उसकी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे मत बताना, किसी एक को भी मालूम होगा तो सब जान जाएंगे। आमिर सोना से कुछ नहीं छुपा सकता। रेयान, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती, इतनी बड़ी बात मैं उनसे कैसे छुपा सकती हूं? भाई कोई मुझे बताएगा भी कि आखिर हुआ क्या है यहां? क्या मतलब? ऐसा लगता है जैसे कोई गेस्ट जाते हुए यहां टेंशन फैला गया। हाँ, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है माँ बेटी के दरमियान, बस यही हुआ है। हाँ बिल्कुल, छोटी सी, बहुत मामूली सी। और हाँ, इस पर तो बात करना भी नहीं बनता क्योंकि वो मुझसे मुतालिक है ना। सोना, मुझसे मुतालिक हर एक बात अम्मी के नजदीक ऐसी ही होती है, छोटी और मामूली सी, जो डिस्कस करने के लायक भी नहीं होती। सोना मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तुम। मॉम क्या हुआ आखिर? हाँ, अब तुम भी मुझे ही ब्लेम करोगे। मुझे तो समझ ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ।
सोना तो हमेशा से ही ओवर सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव हूँ तो इसमें भी मेरी ही गलती है ना। सोना मेरी जान, तुम आराम से मुझे बताओ कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम बताओ मुझे। बता देना अम्मी, मत रखें छुपा कर, अब तो कर लें एतराफ, जरूरत तो करें कहने की। बताएं कि आपको शर्म आती है मेरे साथ जाते हुए, इसलिए आप लोगों को फेस नहीं कर सकती क्योंकि मैं चल नहीं सकती। बस कहें आपको मेरे साथ जाने में शर्म आती है। सोना, ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते, तुम तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। आपके लिए यकीनन हूँ और बाबा के लिए भी, पर अम्मी के लिए नहीं। बेटी, किसी वजाहत की जरूरत नहीं अम्मी, मैं जानती हूँ मेरी ये कंडीशन बरसों से है। काश कि मैं ये ना जानती, फिर तो मैं वाकई बहुत सुकून से होती कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं मलिक से कह देती हूँ तुम्हें रूम में ले जाएगी। काश कि आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता, काश शायद मैं वैसी बेटी नहीं हूँ जैसी आप चाहती थी। सोना भाई, मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मगर मिशाल डियर, अगर पार्क से आकर हम कपड़े चेंज नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, तो गंदगी की वजह से हमारी सेहत खराब होगी। चेंज नहीं करना मुझे। आप जब ऐसा करती हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे परेशान करना चाहती हैं? अच्छा, हम नहाने चलते हैं, वहाँ जाकर झाग से खेलेंगे। क्या हो रहा है यहाँ बताएं मुझे। बाबा सफाई पसंद है और उनकी बेटी मिशाल, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है सफाई सुथराई, लेकिन अभी मिशाल मेरे साथ नहाने जाएगी, है ना? मिशाल जान, आंटी की बात मान लो, तुम तो सफाई पसंद हो, जरूर नहाओगी, है ना? बिल्कुल नहीं, उस वक्त तक कपड़े चेंज नहीं करूंगी जब तक लैला आंटी ना आ जाए। डियर मिशाल, आपकी आंटी तो अब मैं हूँ ना, तो चलो ठीक है, जैसा आप कहोगी वैसा ही करेंगे। शहरिया पर एक मिनट। लाओ अपने हाथ इधर दो मुझे। बेटा देखो, ऐसा नहीं करो ना, बिल्कुल मत हिलो। बेटी लाओ ये मुझे दो जरा, लाओ लाओ लाओ, तुम नीचे जाओ मैं करती हूँ। मिशाल जान, मेरी शहजादी, जल्दी से साफ सुथरी हो जाओ। मुझे बताओ क्या मसला है, ऐसा क्यों कर रही हो? शहरिये दादी जान, वो आंटी फोन पे छुपके किसी से बात कर रही थी, मुझे देखकर खामोश हो गई। अरे किसी दोस्त से बात कर रही होंगी बेटी, खैर छोड़ो, चलो हम जल्दी से कपड़े बदलते हैं। ओहो हो, मुझे नहीं बदलने, पहले लैला आंटी को बुलाएं। अच्छा समझ गई, मैं समझ गई, ठीक है बात करवाती हूँ। मगर बेटा ये याद रखना, तुम्हारी ये जिद हर वक्त पूरी नहीं कर सकती मैं। बिस्मिल्लाह। हेलो
शहरयापा। ओए मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत कुछ हो गया शहरयापा? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है। बस मिशाल ने लैला आंटी की रट लगाई हुई है। पार्क से आकर हाथ धोने को भी तैयार नहीं। मेहरबानी होगी अगर कुछ देर के लिए आ जाओ, बस आधे घंटे के लिए। मुझे पता है तुम आओगी, है ना? अच्छा चले ठीक है, मैं आती हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब खुश आ रही है तुम्हारी लैला आंटी। ओए मेरी शहजादी। कुर्बान हो तुम पे शहरिया दादी, मेरी प्यारी बेटी। क्या हुआ, खैरियत है सैफर? कुछ नहीं हुआ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने, भूख नहीं है क्या? निगार कुछ बना देगी तुम्हारे लिए। भूख नहीं मुझे। काली मिर्च खत्म हो गई है मेरे पापा, किचन कैबिनेट से लेकर आती हूँ मैं। ठीक है जाओ ले आओ। जानता हूं तुमने कभी सोना को ऐसे नहीं देखा, कभी कभार उसे ऐसा अटैक होता रहता है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि एक नॉर्मल सी बात है। मेडिसिन का असर होने में 24 घंटे लग जाते हैं, तब वो बेहतर होती है। तुम घबराओ मत। लेकिन सोना के अटैक से पहले भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं था, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस थकन हो रही है और कोई बात नहीं। कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो रही? देखिए आप गलत कह रही हैं शहरयापा, लैला को बुलाने से मिशाल का मेरे साथ एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कितनी दफा बताओगी मुझे, क्या सजा दोगी मुझे? एक बार ही तो बुला रही हूँ। देखो बात को समझो, अगर मिशाल को पता चला कि लैला हमेशा के लिए जा चुकी है तो और मुश्किल हो जाएगी, वो एडजस्ट ही नहीं होगी। इधर आओ, प्यार करवाओ। मुझे पता चला कि मिशाल हाथ नहीं धो रही है तो मैं फौरन यहाँ आ गई।
ऐसा क्यों कर रही हो प्रिंसेस? वो किसी से फोन पर बात कर रही थी लैला आंटी। हाँ तो करने दो स्वीट हार्ट, इसमें क्या मसला है? छुपके छुपके कर रही थी। छोड़ो ये बात, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। सोना उठो, ये लो दवा लाई हूं मैं तुम्हारी। सोना खाने के लिए नहीं आओगी क्या बेटी? रियान और आमिर के लिए ग्रीन टी लेके जा रही हूँ, तुम भी उनके कमरे में चलो, थोड़ी गपशप कर लेना, मूड फ्रेश हो जाएगा। रूम से बाहर जाने का दिल नहीं है अभी मल्लिका पा, थक गई हूँ, सोऊंगी अब। ठीक, क्या कर रही है? लेटी हुई है वो, सोने का कह रही थी, दवा खिला दी है मैंने उसे, अगर आप कहें तो आराम करने दूं क्या उसको? उसके लिए बेहतर है कि रिलैक्स करे ताकि हिकमत के आने तक नॉर्मल हो जाए। अच्छा, वो हिकमत साहब के सेक्रेटरी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? हिकमत साहब अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर चले गए हैं, तो उसने कहा कि आपको बता दूं। बाहर चले गए? चलो अच्छा हुआ, सोना की वजह से हिकमत मुझ पे गुस्सा करते। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ। देना चाहो तो लेमन यूज कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका मल्लिका पा। सोने के पास गई आप? गई थी मैं, दवा खिला दी उसे मैंने, सोने की कर रही थी वो। ठीक है। मैं सोच रही थी कि अभी उसके पास चली जाऊं, शायद अब सो गई होगी, काफी थकी हुई थी, तुम फिर चली जाना। ग्रीन टी ठंडी ना कर देना। मेरे लिए भी लाई है? थैंक यू सो मच। चाय एंजॉय करो।
खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। ठंडी मत करना। बस तुम फौरन से चाय पी लो, फिर सो जाना। कुछ और चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं यहीं हूं। अच्छा लग रहा है ना? ये आप हैं, ये मैं हूँ और ये बाबा। अच्छा, ये भी ठीक कहा तुमने मिशाल दिया। शरिया दादी को दिखा कर आती हूँ। कुछ चीजें अजीब सी नहीं लगती आपको? क्या अजीब है? ये जिस तरह तुमसे अटैच्ड है, तुम्हें हर वक्त साथ देखना चाहती है, बहुत अहमियत देती है मिशाल तुम्हें। मेरे ख्याल से कोई पीडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, एनबॉसिटी डिसऑर्डर कह लो। थोड़ा एक्सप्लेन करोगी इसे? क्या कहा तुमने? एनबॉसिटी डिसऑर्डर? मैंने कभी नहीं सुना, क्या मतलब है इसका? एंजाइटी कह लो। क्या तुम वाकई एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रही हो? यानी एक्सेसिव एंजाइटी? हाँ सही कह रही हो, यूनिवर्सिटी में भी अक्सर गलत कह देती थी मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा डायग्नोसिस सही है? यानी इतनी छोटी सी बच्ची भी ओवर एंशियस हो सकती है, यही कहना चाह रही हो ना? ये सिर्फ एक राय है। खुशामदीद। क्या हो गया मेरी बच्ची? बस मैं जा रही हूँ शहरी आपा। इतनी जल्दी? बस क्या हाथ लगाने आई थी तुम? ऐसे नहीं जाने दूंगी। देखो ये टेबल मैंने और मिशाल ने मिलके लगाई है तुम्हारे लिए, खाए बगैर नहीं जा सकती। अल्लाह बहुत बरकत दे खाने में, फिर किसी वक्त इंशाल्लाह। बात सुनो, अगर तुमने मेरा खाना ठुकरा के जाने की कोशिश की तो बता दूं तुम्हें दोनों कानों के बीच सर कर दूंगी। आप नहीं जाए ना? ओहो, अब तो सरकार का हुक्म आ गया। ये हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ बैठते हैं। इधर बैठो बेटी। शुक्रिया आपका। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि इसके पास आ जाऊं। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना आपा, जैसे कोई फरिश्ता हो। भाई की तरह गहरी नींद सोई है। Thank you.
डरा दिया तुम्हें। नहीं तो बस आपको यहां देख के हैरान रह गई। तो क्या मैं वाकई बहुत गहरी नींद सोता हूं? हाँ ना। क्या तुमने मेरे पास बैठकर ऑब्जर्व किया मेरी नींद को? नहीं। परेशान मत हो तुम, इंशाल्लाह कल तक बेहतर हो जाएगी सोना। कुछ कहना चाह रही हो? आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी। तुम भी मिशाल की तरह हो। इसका क्या मतलब हुआ? ईगोइस्ट, उसी की तरह। बहुत शुक्रिया आपका लैला। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, अभी भी मिशाल को याद रखा तुमने। इतना तो मैं कर ही सकती हूं। क्या कोई रास्ता नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा। कुछ कहोगी नहीं तुम? लेकिन किस बारे में? कुछ नहीं रहने दो। शब बखैर। शब बखैर। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी कमाल साहब। एंटर होगी तो चला जाऊंगा। स्पेशल ड्रिंक है, बहुत फ्रेश फील करोगी तुम इसे पीकर। वैसे क्या क्या है इसमें? ये एक सीक्रेट है, मलिक आपा की खास रेसिपी, किसी को भी नहीं पता कि क्या क्या है।
मगर रियान को जरूर बताऊंगी। तुम्हें कभी नहीं बताया मैंने, लेकिन बहू को जरूर। जब तबीयत गड़बड़ होगी तो रियान बना दिया करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। अच्छा मॉम, मैं निकल रहा हूँ, लेट हो गया। नाश्ता नहीं करेंगे? तुम नाश्ता किए बगैर जाओगे? अब ऑफिस जाकर कर लूंगा, आज डैड नहीं है ना, मीटिंग में टाइम से पहुंचना है। ठीक है मेरी जान, जाओ। आंखें बंद करके आखिरी घूंट तक पी जाना, इसके बारे में सोचोगी तो नहीं पी सकोगी, मेरा जाती तजर्बा है। सही कहा है उसने। मलिक, क्या तुमने रियान के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाया है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बेहतर होगा। गांव से लाई होगी ये बीमारी। मलिक ने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर को दिखा दो, कहीं हमें ना लग जाए। निगार। जी हुकुम जावेदा मैम। सैफर से जाके कहो रियान को डॉक्टर के पास ले जाए, जिस डॉक्टर के पास हिकमत जाते हैं, सैफर जानता है। बाबा जान वाले डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ फिर। जी सैफर को बता देती हूँ मैं। हैरत है, इसने कोई एतराज ही नहीं किया। फ्लेज, तुम कहां पे हो? ओए, सब सो रहे हैं क्या अभी तक? जब मैं नजर नहीं आऊंगी तो समझ जाएंगे कि मैं बाजार गई हूं। शैलिया को बाहर भेज दिया है मैंने, वो बाजार गई हुई है इस वक्त। हाँ, बस एक घंटे बाद गाड़ी घर के बाहर पहुंच जाएगी, लेकिन उस मुलाजमा से कैसे निपटोगी? देखो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने काफी लंबी लिस्ट बना कर दी है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी वापस घर आएगी। मौका अच्छा है आपके पास। जबरदस्त, बस जल्दी से इस बच्ची को यहाँ से ले जाएं ताकि मेरी टेंशन भी दूर हो जाए। मैं कुछ दिन और यहाँ रही ना तो बीमार हो जाऊंगी। हाँ, बस थोड़ा और सब्र। अब आपको क्या बताऊं मैं? इसको मासूम ना समझे, ये बच्ची पूरी आफत की पुरकाला है। बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है कहीं मार ना बैठूं उसको। बस एक घंटे में खेल खत्म, फिर ऐश करना तुम। हाँ ठीक है भाई। कहाँ चली गई वो किताब? वहीं से होगी। ये कौन मुझे फिर से बुला रहे हैं क्या? नहीं, नहीं जाना चाहिए, उसे फिलिस के साथ मानूस होना चाहिए। जी बोले। विशाल डियर, कैसी हो? मुझे याद कर रही थी तुम क्या? लैला आंटी, मुझे आप बचा लें। फिलिस मुझे ले जाएगी, फोन पर उनकी बातें सुन ली है मैंने। ऐसे कैसे ले जाएगी? ये क्या कह रही हो तुम मिशाल? किसी से कह रही थी कि बस बच्ची को ले जाओ। मिशाल मेरी जान, तुमने गलत सुन लिया होगा शायद। फिलिस आंटी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम उनको गलत समझ रही हो। मैं सच कह रही हूँ लैला आंटी, बहुत गंदी है, सबको चीट कर रही है। विशाल, मिशाल जान, किससे बात कर रही हो मेरी जान? ये फोन मुझे दोगी प्लीज? थैंक यू मेरी जान। हेलो, कैसी हो फिलिस? मैं लैला। अरे लैला, कैसी हो तुम?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। कैसा है तुम्हारा आज का दिन? कुछ खास नहीं था। मिशाल किसी तरह एडजस्ट नहीं हो पा रही है, ख्याली प्रॉब्लम्स बना लेती है। मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत नेचुरल सी बात होती है। असल में कल जो कुछ हुआ उसका असर होगा शायद। सही कह रही हो। कल का दिन हम सबके लिए बहुत टफ रहा है, इस जहमत के लिए तुमसे माजरत खा हूँ। नहीं नहीं, जहमत कैसी, मैं चाहती हूँ कि मिशाल ठीक रहे। कमाल साहब को आज इसे चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है, उन्हें रिमाइंड करवा दूंगी मैं। हाँ, कभी आदमी काम में लगकर भूल भी जाता है। अच्छा ठीक है, मैंने काफी टाइम ले लिया तुम्हारा, अपना ख्याल रखना। मिशाल को बहुत प्यार करना। जी जी जरूर, बहुत सारा प्यार करूंगी। ये यहाँ पे पड़ी है और मैं इसे ढूंढ रही थी हर जगह पे। हद हो गई है लैला। डियर मिशाल, आप ऐसा क्यों कर रही हैं बेटा? बात कुछ से कुछ बनाकर लोगों को परेशान कर रही हो। क्यों झूठ बोला आपने बेबी? मैंने तो उनसे कोई भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, चलो ये बात खत्म करते हैं, आपको गलत फहमी हो गई थी, भूल जाओ इस बात को। आप चले, आपको तैयार कर देती हूँ, फिर पार्क चलेंगे, ठीक है? पार्क नहीं जाना मुझे। मिशाल बहुत हो गया। शेरिये दादी जान, आप मेरी बात नहीं मानोगी तो ठीक है फिर। कोई सुन रहा है जो मैं कह रही हूँ? जो भी सुन रहा है वो सुन ले। शहरिया आंटी को मैंने बाजार भेजा हुआ है, तुम कहीं नहीं भाग सकती। सुनती मिशाल, आप मुझसे नहीं छुप सकती। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कि इसके पास आ जाऊं। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना आपा, जैसे कोई फरिश्ता। मेरे भाई की तरह गहरी नींद सोई है। कैसे हैं भाई आप? बेहतरीन, कैसे हो तुम? जी हाँ, आप बेहतर हूँ। मॉम क्या कर रही हैं? आज बात हुई तुम्हारी उनसे? वो तो नहीं हुई, लास्ट टाइम रयान को हॉस्पिटल भेजते हुए सुना था। हॉस्पिटल में? आपको नहीं पता? सोच रही हूँ कि कॉल करके पूछूं या नहीं। ठीक है ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज़।